तो आज हमारे बीच में इसी प्रकार के एक जो आपके रोल मॉडल मैं समझता हूँ हो सकते हैं, ये हमारे बीच में हैं आज के दिन गेस्ट नीलंजना दास। आप उनको वेलकम करेंगे। नीलंजना दास जी, प्लीज़ कम, आइए। एंड आई वुड लाइक यू टू सी अबाउट मिस दास, हाउ शी स्टार्टेड एंड व्हाट शी स्टार्टेड। लेट्स प्ले ऑडियो विजुअल प्लीज। मकसद में जिंदगी को बदलने की ताकत है, इसलिए मतलब छोड़े, मकसद नहीं। जीवन में कुछ नया करने का जज्बा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सही किया समाज सेवी नीलांजना दास ने, खुद के बूते स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ते हुए वो कई ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता का संचार कर रही हैं। हाँ, पहले ये था कि अगर हमें 1 रुपया भी चाहिए था तो किसी से मांगना ही पड़ता था, लेकिन आज के इससे जुड़ने के बाद अगर हमें 10 रुपये की भी जरूरत है तो वो किसी से हमें लेना नहीं है, वो हमारे पास होता है। ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, शादी के बाद लेडीज घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो ये काम कर रहे तब से घर के भी है, हस्बैंड भी है, कोई मना नहीं करता, तो अपनी मर्जी से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में फिर से थोड़ा सा हलचल हो गई है, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, खाली नहीं बैठी रहती हूँ और फालतू की बातें सोचने का वक्त मुझे नहीं मिलता है। नीलांजना की जिंदगी का एक ही मकसद है, देश भर में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाना। और इसी सोच के साथ आपने साल 2010 में एक्शन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्ट की स्थापना की। इस इनिशिएटिव के बाद महिलाओं में काफ़ी बदलाव मैं देख रही हूँ, नॉट ओनली इकोनॉमिकली कि वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो सामाजिक वे में उनके जो बदलाव आया है, ताकि वो अपना शिक्षा के स्तर पे हो, अपना स्वास्थ्य के स्तर पे हो, अपने परिवार के स्तर पे हो, और तीसरा उनका जो अपना आत्मसम्मान, महिलाओं का खुद का आत्मसम्मान कि वो कुछ पैसा कमा रही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो उनका आत्मविश्वास, जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि उसको आगे करना है, उनको आगे और बढ़ना है, ये जो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एक इतनी महिलाओं में मैं उन पे जो ये शुरुआत कर पाए हैं, तो ये बदलाव मैं देख रही हूँ। ये संस्था आज कई राज्यों में काम कर रही है। फोटो फ्रेम और टेबल मैट से काम शुरू करने वाली संस्था के पास आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इस संस्था का मकसद है देश भर की महिलाओं को एक चेन से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना। तो हमारा जो मकसद था वो है महिलाओं के साथ एक लगातार जुड़ना और लगातार उनका जीवन शैली में बदलाव लाना, ये था। और हमारे बचपन से ही कहीं ना कहीं एक पैशन था कि हम खुद ब खुद कुछ अपनी एक शुरुआत करके एक प्रोडक्टिव काम से उसको जोड़े, तो शायद यही चीज़, ये जो स्पार्क था अंदर में और एक एंटरप्रेन्योरशिप का, इसलिए शायद ये हमें हिम्मत मिली कि हम ये काम, हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। संस्था के काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश की महिलाएं समाज की दकियानूसी सोच को खत्म कर दुनिया के नक्शे पर एक अलग तस्वीर पेश कर सकेंगी। वेरी गुड। नीलंजना जी, क्यों आपने ये, कब क्या सोच आई आपके मन में जो आपने ये सब शुरू किया? जैसे आपने बताया कि विजन चेंज होता है, हमने पहले शुरू किया, मैंने 10 साल पहले एक अपने डेवलपमेंट सेक्टर से ही काम किया, शुरू किया, फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दी और उसके बाद ये संस्था की शुरुआत की इन द ईयर 2010, क्योंकि द थिंग इज़ कि हमने जब पहले प्रोजेक्ट्स किए थे उसका था कि टाइम बाउंड,
आप एक साल काम किया, आपने दो साल काम किया, लेकिन उसके बाद उसके सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए, एक मीनिंगफुल चेंज लाने के लिए ये पागलपन सवार हुआ था कि हम सब छोड़ के यू नीड टू गेट अटैच्ड टू दिस कम्युनिटी, टू द ग्रास रूट्स, टू ब्रिंग अ कंटिन्यूस सस्टेनेबल चेंज. तो जब ये विजन जब आया, मतलब यू थिंक व्हाट टू डू, यू नीड टू हैव अ ड्रीम. तो अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ आप इसको लेके जाएंगी? जैसे अभी हमने देखा कि आपने कितना अभी तक अचीव किया है, आगे क्या आपका विजन है इसके बारे में? देखिए, विजन जो है, सपना जो है, यू नो दे आर वर्किंग विथ वेस्ट पेपर, दैट इज़ पेपर विच इज़ बेसिकली इट इज़ रॉ मटेरियल. जो पेपर आप सुबह को पढ़ते हैं वो शाम तक वो बेकार हो जाता है, वो कबारी बन जाता है, लेकिन that paper is becoming a resource material for them. So we are calling them as a chain of rural recyclers or upcyclers. So the vision jo hai to create a chain of rural recyclers across the country. Iska matlab yun kahe ke agar simple bhasha mein agar hum samajhna chahe to aap ye kahenge ki jo material gharon mein waste ho jata hai usko recycle kaise karke kuch na kuch upyogi cheeze usme se banaye और उनकी जो रूरल महिलाएं हैं उनके अंदर अर्निंग कैपेसिटी और कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें. बिल्कुल, नॉट ओनली अर्निंग, बिकॉज वंस दे अर्न द इनकम, जब उनके हाथ में पैसा आ जाता है, द सोशल डेवलपमेंट हैपेंस. दे कैन ऑल्सो केटर टू द एजुकेशन, टू द हेल्थ, एंड दे ऑल्सो कम अप एज द रूरल लीडर्स. वो आगे दे आर कमिंग टू द सेल्फ गवर्नेंस, दे आर कमिंग टू द पंचायत. द होल सोसाइटी इज रीबिल्ड एंड कैपेसिटी इज रीबिल्ड. दे आर बिकमिंग द रोल मॉडल्स, दे आर बिकमिंग द एग्जांपल्स फॉर द अदर्स. ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, अगर जिसने, जैसे वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे कोई विजन की आवश्यकता नहीं है, या मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या मान लीजिए कोई विजन नहीं है मेरा, उनको आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? विजन इज जस्ट लाइक योर आई साइट, जैसे कोई आई साइट ही नहीं है, यू नो दैट मींस यू आर ब्लाइंड. वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया, गुड थॉट. यू शुड हैव अ विजन, यू शुड डेफिनेटली हैव अ विजन एज अ यंग पीपल. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, कितना कुछ करना है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में. आई थिंक सो देयर इज एम्पल आइडियाज. यू शुड हैव वन आइडिया विच शुड क्लिक योर माइंड, एंड यू शुड हैव पैशन फॉर दैट, क्योंकि दैट पैशन विच विल ड्राइव यू. हमारे अंदर सब कुछ है, हम सब कुछ पावरफुल हैं, वी आर ऑल माइटी पावरफुल पीपल, ये सोच होनी चाहिए. आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाई यू बॉन्डिंग योरसेल्फ टू द रिसाइकलिंग थिंग. Why don't you move to another areas, verticals also? Definitely. That is not a closed area at all. But now, you know, when they're making the products, yeah, they're making some handmade, you know, recycled, but all are utility products. Now, aaj hum bolte hai go green, because there is another objective with us, you know. A vision can have 2-3, you know, goals, and goals can have further objectives. So, you know, another is the environment. रिसाइकलिंग, वो पेपर प्लास्टिक जो भी करती है, वी वॉन्ट टू एम्पावर द वेमेन एंड एम्पावर द एनवायरमेंट. तो वो इतना, सो वी वॉन्ट टू, यू नो, साइमल्टेनियसली वी आर क्रिएटिंग अ इको कॉन्शियस सोसाइटी जो ये प्रोडक्ट्स को अपनाएं, बिकॉज लाइवलीहुड कहाँ से आएगा? मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लाइवलीहुड कहाँ से होगा? सो द मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर एग्रेसिवली, द वेमेन, एवरीबडी इज एग्रेसिवली वर्किंग ऑन द मार्केटिंग टू क्रिएट अ इको कॉन्शियस सोसाइटी वेर पीपल आर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट्स, आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम. तभी, यू नो, टूडे हाउ कैन वी बिल्ड दिस 500 और मोर? टूडे देर आर मोर पीपल, एंड यू नो दैट इज कमिंग अंडर दिस चेन. सो यू नो इन द ईयर्स टू कम, दैट्स द विजन, यू नो दैट आई एम सीइंग दैट इन द अनदर 5 years या 10 years लाइन. We want to make it every, why only green paper bags? Make it everything of paper. ये, make ये a furniture of paper. बिल्कुल सही है, निरंजना की बात बिल्कुल सही है. मैं कई बार अपने विदेशी दोस्तों को कहता हूँ कि भाई अगर कल को अगली वर्ल्ड वार अगर हुई तो इंडिया विल डेफिनेटली सर्वाइव, क्योंकि हमारे एक तो कंजम्पशन सबसे कम है और जितना कुछ हम अगर निकालते भी उसको भी हम रिसाइकल कर ही लेते हैं कैसे भी. हाँ. तो ये बड़ी बात है. हमारे दर्शक उस कैमरा में, अगर उनको बताएं आप, क्या उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो घर गृहिणी घर में बैठी है, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, बहुत से करोड़पति अरबपति भी इस शो को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका मैसेज उनको?
माई मैसेज टू एवरीबडी जो भी देख रहे हैं शो को इज टू यू नो टू बी कॉन्शियस टू बी कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ अबाउट द सोसाइटी अबाउट द कम्युनिटी अबाउट द एनवायरनमेंट एंड वही करे यू नो विच विल हेल्प देम एंड द सोसाइटी टू ग्रो दिस इज़ वन थिंग एंड येस इफ आई एम थिंकिंग ऑफ एक्ट and my women and I want to you know make them one super women of this country you know to kal ke din mein ye so to buy the and to endorse the recycled products and to you know help the environment conserve the environment and promote the whole concept and that will make them happy as well they will be very happy if they yes. turn the environment green and they help the women simultaneously there for fulfilling two very objectives good. Very good. Give a big hand to Dilanjana Das. Dr. Subhash Chandra को अकेला motivator इस देश में नहीं है बहुत लोग हैं हजारों लाखों लोग हैं और ऐसे ही एक motivator हमारे बीच में है दीप्ति जी पंत उनको मैं बुलाना चाहूँगा she's a great storyteller. Please come. She is a design management professional and passionate storyteller. A speaker with great sense of humor and highly energetic person, she uses her storytelling technique to transform simple and mundane workplace conversation into engaging and fruitful ones. So, we would like to have some more life into these faces. They are, some of them are definitely smiling. मैं कहानी कथावाचक हूँ, कहानी कहती हूँ. पर मैं कहानी इसलिए नहीं कहती मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ हाँ अमित जैन नहीं हूँ मैं मैं जाकिर नहीं हूँ मैं जो कहानियाँ कहती हूँ उन कहानियों के पीछे एक मकसद होता है उन कहानियों के पीछे लोगों की जिंदगियाँ को बदलने का मकसद होता है मैम यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग तो आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है वेरी गुड मेरी फेवरेट स्टोरी है रज़िया सुल्तान की मोर देन दैट मेरी फेवरेट स्टोरी है इल्तुतमिश की इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान का पिता था उसने उस ज़माने में ये हिम्मत करी कि अपनी बेटी को एक सुल्तान बनाया वेरी गुड उस पिता की सोच को सोचो उस पिता की सोच को सलाम कि उसने उस वक्त अपनी कहा कि मेरे पुत्र बेकार हैं दे कैन नॉट बी ग्रेट रूलर्स द पर्सन हु विल रूल द लैंड विल बी माय डॉटर बिकॉज शी इज कॉम्पिटेंट लेकिन अल्टीमेटली रज़िया सुल्तान को उसके भाइयों ने उनको मरवा दिया हाँ. तो इसीलिए मेरी वो कहानी होती मैं इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इल्तुतमिश की कहानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि कम से कम उस इंसान ने वो बीज तो बोया बाद में वो परिवर्तित हुआ 300-400 साल बाद जब इंदिरा गांधी रूरल बनी पर कहीं पे शायद हमारी एशियन इकोनॉमीज में इंडियन विमेन इतनी जल्दी ज़्यादा लीडर्स क्यों हैं अनलाइक वेस्टर्न इकोनॉमीज क्योंकि हमारी हिस्ट्री और मैथोलॉजी उसको सपोर्ट करती है कि अभी यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार जस्ट मिले हुए 20-30 साल 1923 में मिला है हाँ सो ये रिसेंटली देयर हैज बीन सम केसेस ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड्स तो आप स्टूडेंट्स की जिंदगी में किस तरीके का मोड़ लाना चाहेंगी कि उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ एक एंजॉयफुल लाइफ हो जाए तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है गंभीर भी और क्योंकि मेरे बच्चे भी आप ही की उम्र के हैं तो मैं रोज इन चीज़ों से डील करती हूँ कि मम्मी आज क्लास में मज़ा नहीं आया आज ये नहीं करूँगा आज वो नहीं करूँगा मेरा बेटा फुटबॉल खेलने जाता है नहीं कोच सर बहुत डांटते हैं मैं नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से दो तरीके हो सकते हैं एज अ स्टोरी टेलर एंड एज अ मदर एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी एज अ स्टोरी टेलर मैं सच बताऊँ मैं आपके उम्र के बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ बहुत काम करती हूँ 11, 12th एंड ऑनवर्ड्स मैं बहुत काम करती हूँ इन बच्चों के साथ ये बच्चे मेरे साथ आते हैं कोचिंग लेने पढ़ने तो वो आते हैं और मैं उनके साथ बैठ के ये कहती हूँ कि आपको बनना क्या है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जैसे कि अब आपसे ये शुरू होने से पहले मुझे आप ही के एक इंसान ने पूछा था कि अब क्या आपको क्या क्वेश्चन आप किस तरह से अपने विजन्स डिफाइन करती हैं तो मैं इस तरह से कहती हूँ कि 10 साल बाद तुम इसी टाइम पे इसी सैटरडे को 4 बजे क्या कर रहे होगे मेरे से ये कन्वर्जेशन करो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से फिर पीछे जाएंगे वेरी गुड बहुत अच्छा तो इज दिस आल्सो अ प्रोसेस टू सेट योर विजन एंड यस राम को रावण मारना था इसलिए उसने बाली को मारा और उसने सुग्रीव और हनुमान से दोस्ती करी राइट अगर रावण को नहीं मारना था व्हाट वाज द नीड ऑफ द फ्रेंडशिप हाँ
कोई दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपना कंद फूल खा के 14 साल घूमते रहते वापस आ जाते। कोई याद भी नहीं करता, वो याद भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो 10 साल का मैं विजन नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही आप सीईओ बनो, आप शाहरुख खान बनो, मैं कह रही हूँ सिर्फ ये कहो कि मैं इस शनिवार के शाम, हर शनिवार शाम को 4 बजे मैं क्या करूँगा। वॉट इज योर डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ अचीवमेंट, दैट इज द ओनली आई कन्वर्सेशन आई हैव विद देम। तो एक और बताइए कि ये कैन वी ट्रैक अवर अचीवमेंट टूवर्ड्स द गोल इन द स्टोरी। जी मैं आपको इसके लिए केस स्टडी बनाऊंगी। एक बहुत कॉर्पोरेट ने मुझे एक बुलाया था, तो उनके कुछ हाई अचीवर्स थे और वो लोग अचीव सडनली दे स्टॉप्ड अचीविंग, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनके साथ बैठिए और बात करिए। एक की कहानी मैं बताऊंगी। तो उन्होंने, एक इंसान ने अपनी कहानी बताई मुझे कि वो इंसान जो है केरला में पला बड़ा था और वो अपनी नानी के यहाँ पला बड़ा था। उसकी नानी मंदिर के पास रहती थी और रोज़ सुबह मंदिर जाती थी, अपनी नानी के साथ वो मंदिर जाता था। ऐसी उसकी परवरिश हुई। जो सर कह रहे थे ना, अपने बचपन लोगों का बहुत अगर डिफरेंट हो तो लोग डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं, ये मैंने काफ़ी देखा है। और वो जो है बॉम्बे आया और बॉम्बे में वो रहने लगा और नेचुरली एक पीजी में रहा, ना मंदिर आसपास, ना वो स्पेस केरला, ना वो ग्रीनरी, एंड हिज परफॉर्मेंस वेंट डाउन। पर 3-4 महीने बाद वो एक अपने अंकल के घर में शिफ्ट हुआ जो कि माहिम में एक मंदिर के पास रहते थे। हमने और वो कहानी बता रहा है, मैं सिर्फ नोट्स ले रही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंगली व्हेनेवर हिज स्पेशल अरेंजमेंट वाज अराउंड अ टेंपल ही वाज परफॉर्मिंग समवेयर, दैट टेंपल की फीलिंग, वो जर्नी उसके मन में रिलैक्स कर देती है। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे होता है वो। मैं ऐसा समझता हूँ खुद एज इंडिविजुअल कि आजकल मकान तो रह गया है और रोटी कपड़ा की जगह मकान, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये हमारी लाइफ के कॉमन गोल शायद होने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इन तीनों पर कोई स्टोरी कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक कॉमन मैन के लिए। ये सर ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ, ये गोल नहीं होते हैं, ये तो ज़िंदगी की नियम है, ये तो करना ही है। जैसे सांस लेना गोल नहीं होता है, है ना, खाना खाना गोल नहीं होता है, तो ये तो जिंदगी के नियम हैं। These are activities of life. And action is what you need to set your goal and then the actions are decided. Yeah, these are the byproducts of the goals. Yeah. These are the byproducts of the goal. मैं कहूँगी आपका विजन, आपका अचीवमेंट डिजायर, आपकी फाइनल स्टोरी अगर आपके हाथ में है और अपनी फाइनल स्टोरी से आप फेथफुल हैं, आप उससे दूर नहीं जा रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ भगवान गुरु माँ बाप पत्नी पति बच्चे सब लाइन में आ जाते हैं, सब लाइन में आ जाते हैं। अगर आपको क्लियर है कि आपको रावण को मारना है तो सब लाइन में आ जाते हैं, पर वो रावण तो ढूंढिए पहले आप। यस, जब तक आप अपना विजन तय नहीं करेंगे तब तक कोई, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं कुछ भी कर पाएंगे। दीप्ति जी, मेरे दर्शकों से जो घर बैठे देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपनी कहानियों की रचना खुद करो, पर ये मत समझो कि तुम अकेले हो उसे रचने के लिए। तुम्हारे साथ पूरा जहां है, अपने माँ बाप हैं, तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं और सारी सोसाइटी है। पर ये भी समझो कि अगर कहानी थोड़ी अलग होगी तो वक्त लगेगा लोगों को समझने में, उन्हें वक्त दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दीप्ति जी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं ज़रूर आपका ये आज जो आपका आश्वासन है, मैं ज़रूर आऊँगा आपसे स्टोरी सुनने। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू इटसेल्फ सर, आई एम सच अ फैन ऑफ योर्स। बिग हैंड फॉर दीप्ति जी। तो आज की बात से हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमारा? नंबर वन, कि सक्सेस मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एक बात, क्या ठीक है ये बात? और वी ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर बीइंग्स। वी कैन नो, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, व्हिच अदर बीइंग्स कैन नॉट डू इट। एंड वी आल्सो कंक्लूडेड दैट मटेरियल सक्सेस इज नॉट नेसेसरली ए रियल सक्सेस एंड व्हिच मेक्स यू हैप्पी। तो और विदाउट सेटिंग अप ए विजन और ए गोल, लाइक उन्होंने कहा कि रावण को मारने का अगर गोल नहीं होता राम के सामने, तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते और वो शायद लोगों के सामने वो कहानी शायद आने से रह भी जाती और आती भी नहीं। एंड एक्वायरिंग नॉलेज हेल्प्स अस टू वाइडन अवर ऑर्बिट्स।
एक स्टूडेंट केवल इसलिए ना बने रहो कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी करके और अपना रोटी कपड़ा मकान और या कहिए मकान और हेल्थ और नौकरी और जो भी वो करना है अचीव, बल्कि ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखिए, वो सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।